नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इंसानों में गुस्सा तो क्या, जानवरों में भी गुस्सा जरूर आता है, लेकिन इंसानों में पत्नी का गुस्सा शांत करने के लिए बहुत से उपाय हैं। पुरुषों का गुस्सा तो पत्नियां एक क्षण में दूर कर सकती है, लेकिन पत्नियों का गुस्सा सातवें आसमान पर होती है, जिसे शांत करना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन इसे शांत करने का भी हम आज आपको 5 उपाय बताने वाले हैं, जिसे अपनाकर आप अपनी पत्नी का गुस्सा शांत कर सकते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसमें कुछ मनमुटाव आते रहते हैं। सारा दिन पति ऑफिस या फिर बिजनेस में बिजी रहता है, घर वापस आने पर भी पत्नी गुस्से में हो तो शादीशुदा जिंदगी की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में पति के लिए पत्नी को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी 5 बातें जो इस परेशानी का हल निकालने में आपकी मदद करेगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको नाराजगी की वजह जाननी होगी। पत्नी अगर गुस्से में है तो पहले खुद से सवाल करें कि कहीं इसके पीछे आपकी कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद उसके कारण पूछें। इसके पीछे की वजह जायज लगती है तो उससे बातें करें। गलती अगर आपकी है तो उसे शांत करने के लिए सॉरी बोल दें, और गुस्सा शांत होने पर उसे समझाएं कि बात बात पर नाराज होना सही नहीं है। नंबर 2, उसकी अनदेखी भी करें। वाइफ को हैंडल करने का तरीका खोज रहे हैं तो कभी कभी उसे इग्नोर भी करें, इससे उसका गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा और वह बाद में समझ पाएगी कि वह बेवजह आप पर गुस्सा कर रही है। आपके द्वारा उसे दी गई अतिरिक्त तवज्जो से उसका गुस्सा और ज़्यादा भड़क सकता है, लेकिन बात को लाइटली लेने से यह मामला आराम से शांत हो सकता है। नंबर 3, दोस्तों, आप अपनी पत्नी को हैंडल करने के लिए बच्चों का सहारा भी ले सकते हैं। जब पत्नी गुस्से में हो तो बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। बच्चे आसपास होंगे तो वह ऊंची आवाज़ में आपसे कुछ भी नहीं कह पाएगी। बीवी का मूड ठीक करने के लिए उसे घर से बाहर ले जाएं। बच्चों के साथ कुछ मस्ती का प्रोग्राम भी सेट किया जा सकता है, इससे आपकी पत्नी का गुस्सा शांत हो सकता है। नंबर 4, अपनी पत्नी के साथ समय बिताएं। अपनी पत्नी का मूड ठीक करने के लिए आप उनके साथ समय अवश्य बिताएं, उनसे बातें करें। हो सकता है उसके गुस्से के पीछे की वजह आपकी पत्नी का समय ना देना हो। भले ही आप उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाते हो, लेकिन जितना भी समय दे वह क्वालिटी वाला समय दे, यानी उस समय में आपके अन्य दोस्त ऑफिस वगैरह के काम बिल्कुल भी आप ना करें। इससे आपकी पत्नी को लगेगा कि आप उसे ज़्यादा ही महत्व देते हैं और उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। नंबर 5, उसे आराम भी दें। दोस्तों, घर संभालना भी कोई आसान काम नहीं होता। सारा दिन परिवार की देखभाल करने के बाद पत्नी थक जाती है। कभी कभी उसे इन कामों से छुट्टी भी देना चाहिए, क्योंकि सबको खुश करने के चक्कर में हो सकता है वह चिड़चिड़ी हो गई हो। आप पत्नी का ध्यान रखेंगे तो उसकी आदत भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसे उसकी फ्रेंड से भी मिलवाएं। दोस्तों, ये 5 ऐसे तरीके थे जिससे आप अपनी पत्नी का गुस्सा को शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देख सके आप सबसे पहले।